आना चाहते हैं, ये मुरली वाले सर का नंबर है और उनको इनके यहाँ जो सांप निकला हुआ था। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, हम एक रेस्क्यू कॉल आए हैं और उस गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। इस गांव का पता तो हमें नहीं है और उनसे हम जानते हैं ये कौन सा गांव है और कौन सा जगह है। ये वो भाई साहब यही हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था, ये कौन सा गाँव है ये? सर ये सराय नसीब करके गाँव है, खुटान ब्लॉक लगता है और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मॉर्निंग में जब हमने सांप देखा तो हम मुरली साल का वीडियो देखते हैं, तो हमने उनको कांटेक्ट किया, यूट्यूब से उनका भी कांटेक्ट नंबर निकाल के उनको कांटेक्ट किया। लेकिन फिर उनका पहले तो फ़ोन 3-4 बार घंटे गया, फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर उसके बाद फ़ोन जब एक बार रिसीव हुआ तो उन्होंने बोला कि आप अपना करंट लोकेशन भेजिए, हम आपको थोड़ी देर में रिप्लाई देते हैं। तो फिर हम काफ़ी देर तक वेट किए, 1-1.5 घंटा वेट किए, फिर उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर हमने कांटेक्ट किया तो मोबाइल बंद आ रहा था, उनका स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हमने रिक्वेस्ट भी की, हमारे पास व्हाट्सएप में अभी भी रिकॉर्ड है, दिखा सकते हैं अगर देखना चाहे तो आप। लेकिन उनका जब कुछ रिप्लाई नहीं आया तो हमने फिर पापीदा सर को फ़ोन लगाया, तो सर पापीदा तो सर बोले कि हम तो दूर के हैं, झारखंड के शायद वो रहने वाले हैं सर जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, तो आपको हम आपका नंबर हमें जब मिला तब आपसे हमने कॉन्टेक्ट किया, तो आप सर आए। उनसे उनका रिप्लाई कुछ भी नहीं आया, एक रिप्लाई दे सर ये आया था देखिए। और जैसे कि दोस्तों हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये मुरली वाले सर का नंबर है और उनको इनके यहाँ जो सांप निकला हुआ था, हम अपने कैमरामैन से यही कहेंगे इनसे जूम करके अच्छी तरह से दिखाया जाए दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर घर के अंदर जब सांप निकलता है तो परिवार भयभीत हो जाता है, तो उसमें जिसका नंबर उन्हें पता होता है और जिनका ये वीडियो वो लोग देखते रहते हैं, उनकी वीडियो को निकाल के वो नंबर ट्राई करते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो। तो ऐसे रेस्कर को याद करते हैं जो अच्छी तरह से बेजुबानों को भी बचाया जा और सके। भी इसमें कॉन्टेक्ट है सर, और देखिए हमने रिप्लाई क्या किया, उन्होंने उनका करंट लोकेशन भी हमने अपना भेजा, फिर उनका जवाब आया। और चलिए ठीक है, और जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, हमारा नंबर आपको कहाँ से मिला सर? सर हमें पापीदा के सर के पास हमने कॉल किया तब आपका नंबर हमें मिला सर। और जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये मुरली वाले हौसला जी को एक बार कॉल किए और उसके बाद वहाँ से लोकेशन मांगा गया, यहाँ का लोकेशन भाई साहब ने भेजा, फिर उसके बाद उनकी मोबाइल या डिस्चार्ज थी या कैसे क्या, इसके बारे में तो हम आपको नहीं ज़्यादा बता सकते। तो ये बापीदा को कॉल किए, बापीदा सर भी काफ़ी अच्छे रेस्क्यूअर हैं जो उन्हें कॉल करने के बाद, तो बापीदा सर से हमारा नंबर इनको मिला, तो हमें कॉल किए और उस मौके पर दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं। तो उस बेजबान को बचाएंगे और यहाँ का जो परिवार भयभीत है उसे भी सेव करते हैं। सुबह में मॉर्निंग में यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिखा, फिर हमने जब प्रेस किया तो यहाँ पे आया, अभी हमें लगता है वहाँ अब हम प्रेस करेंगे उसके बाद उसका आवाज़ आएगा। और जैसे कि इनका कहना है कि सांप इसके अंदर बैठा हुआ है, तो जब इन्हें दिखा थोड़ा सा फिर उसके बाद इन्होंने हमें सूचना दी है, तो देखते हैं। नीचे से ही खोला जाए तो है वहीं आसपास में कहीं गया नहीं, इसको हटा दो। और सरकार का ना इसको पॉलीथिन को फटाक से पलटी पलटी कर सकते हैं, ये हटाने के बाद हटा दे फिर इसको पलटी जाएगा ये जी। बाद में फिर अपने हिसाब से ये लोग सेट कर लेंगे ना ऊपर से। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो काफ़ी खतरनाक होता है, और इतने ऊपर आके और इनका छप्पर उजाड़ के उसके बाद से रेस्क्यू करना पड़ा है और ये भोजन करके बैठा हुआ है। और से पहले हम लेकर चलते हैं नीचे। Right.
जैसा कि अगर इसका हम गला न पकड़ते तो उसे हमें नीचे जाने में काफ़ी समस्या हो सकती थी, तो इसे हम गला पकड़ लें, उसे ले चलते हैं पहले नीचे। और भी चल ऊपर जो इस पर बार जेब लगा दोगे तो आराम से उतर जाएंगे सर। थोड़ा पीछे करके बरजोत लगा, बरजोत नहीं बरजोत, हाँ और पीछे लेके, हाँ बस जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये जो भी भोजन को खाया हुआ था उसे यह पलटी करेगा, क्योंकि कब ये होता है, ये काफी बिग साइज के चूहे को अपना निवाला बनाता है, लेकिन ये दो चूहा खाया हुआ था, अब ये हल्का हो गया, अब ये भागने की पूरी फिराक में रहेगा। सराय नसीब गांव के नाम से यह गांव जाना जाता है, और यहां के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, जो वीडियो को देखकर कॉपी नहीं करते। और दूसरी बात ये कि रेस्क्यूअर को याद किए हैं और मौके पे हम लोग पहुंच भी चुके हैं, तो इसे हम सुरक्षित डिब्बे में पैक करते हैं। आसपास दिख रहा है तो आप इस हिसाब से दूरी बनाइए,